जहां आम आदमी को निजी अस्पतालों में इलाज कराना मुश्किल हो गया है, वहीं ऐसे में माता लक्ष्मी जगदीश मेमोरियल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट नई किरण लेकर आया है। यहां होम्योपैथी द्वारा फ्री इलाज किया जाता है तथा फिजियोथेरेपी सेंटर अत्याधुनिक मशीनों द्वारा असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है, जिसको डॉक्टर आर के गर्ग द्वारा संचालित किया जाता है। तो बात करेंगे डॉक्टर आर के गर्ग से। ये जो ट्रस्ट है माता लक्ष्मी जगदीश मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के अंतर्गत फिजियोथेरेपी सेंटर होम्योपैथिक सेंटर को फिलहाल बनाया गया है। इस ट्रस्ट के अंदर जो गरीब लोग हैं उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है होम्योपैथिक के द्वारा एज वेल एज द फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा। यहाँ पर हमने बहुत सारी मशीनें, लगभग 15 से 20 मशीनें यहाँ पर रखी गई हैं, जिसमें टेंस की है, अल्ट्रासोनिक है, IFT है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, वाइब्रेटर है, OFT है, ट्रैक्शन है, IRR है, स्विफ्ट है, इसके साथ साथ लेज़र मशीन है, कपलिंग है, हाइड्रो कलेक्टर है, ब्लड सर्कुलेशन है, लॉन्ग वेव थेरेपी है, शॉर्ट वेव थेरेपी है, साइकिलिंग है। इस तरीके से कई सारे यहाँ पर हमने मशीन रखी हैं, लेटेस्ट मशीनें हैं। इन लेटेस्ट मशीनों के द्वारा हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट का, और यहाँ पर जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो रखे गए हैं, होम्योपैथिक के भी और फिजियोथेरेपिस्ट के भी, ठीक है। उनका काम है कि पेशेंट को उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग फिजियोथेरेपी देनी। टेंस के द्वारा हम जो पेन कंट्रोल है, इम्प्रूव सर्कुलेशन है, उसको देखते हैं। अल्ट्रासोनिक के द्वारा हम हीलिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। IFT के द्वारा हम मसल्स पेन्स को रिमूव करते हैं। मसल्स स्टिमुलेटर के द्वारा पैरालिसिस के जो पेशेंट होते हैं उसमें नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं। वाइब्रेटर के द्वारा हम ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन मसल्स को करते हैं। इसी के साथ साथ जो लिम्फ हैं उनके अंदर हम डीप वेंस और जो दूसरे जो बॉडी के अंग हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। ट्रैक्शन के द्वारा हम पेन को रिमूव करते हैं, और हीलिंग पर्पस के लिए IRR, इसी तरीके से स्विफ्ट के लिए हम शॉर्ट वेव डायरेक्टरी यूज़ करते हैं। सर्वाइकल रिलैक्सेशन के द्वारा हम जो सर्वाइकल के प्रेन हैं उन्हें हम दूर करते हैं। लेज़र मशीन्स के द्वारा जो टेंशन हैं, लिगामेंट्स हैं, उनकी हीलिंग करते हैं। कपलिंग के द्वारा बॉडी के अंदर जो रिलैक्शन है और जो मसल्स को स्टिफनेस है उसे प्रोवाइड करते हैं। कपलिंग के द्वारा बॉडी को रिलैक्सेशन देते हैं। हाइड्रो कलेक्टर के द्वारा हम हीटिंग करते हैं, बैंड करते हैं, और ब्लड सर्कुलेशंस के द्वारा इम्प्रूव करते हैं मसल्स को। लॉन्ग वेव थेरेपी के द्वारा हम यूज़ करते हैं जो लिगामेंट्स हैं और जो पेन्स करते हैं लिगामेंट्स, उनके बैक पेन को हम रिमूव करते हैं। साइकिलिंग के द्वारा जो भी घोड़े के अंदर दर्द होता है, नी के अंदर परेशान रहते हैं, जो आदमी नीचे से ऊपर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता वो हम साइकिलिंग के द्वारा उसको रिमूव करते हैं। Thank you.
डॉक्टर साहब ये किस चीज़ की मशीन है? ये हमारी पेंस मशीन है। पेंस मशीन। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे पेन रिलीफ होता है। अच्छा, इसे किसी भी बॉडी पार्ट्स पर लगा सकते हैं। हाँ, और रेडिएटिंग पेन में भी काम करता है। अरे इसमें कच्चे उसके सही अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है ये क्या, कौन सी वो है ये? रबी है, पैरों को जो है ये कवर्ड कर दिया गया है। ये डीप वेरिकोस वेन के लिए ट्रीट किया जाता है। हाँ, लिम्फेटिक ड्रेनेज या फिर डीप वेन जो है जिसको, उसके लिए यूज किया जाता है ताकि सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा और जो हमारी वेन्स होती है ब्लूइश वो उनको इम्प्रूव करने का काम करता है। अच्छा, तो इससे जो है मतलब इससे रेंज निकलती है या इस मशीन से? या नहीं, पंपिंग होती है। पंपिंग होती है। हाँ जी। अच्छा, ये IRR है, हिटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये क्या है? लैंप, IRR। ये इस रेड लाइट आती है इससे। उससे क्या होता है? रेड लाइट से हिटिंग के लिए यूज किया जाता है ताकि पेन जो है वो कम हो। अच्छा, जी ये IRR बैक पेन के लिए यूज होती है। सर्वाइकल पेन, जो भी पेन है बॉडी के अंदर, सर्वाइकल हो गया, बैक पेन हो गया, घुटनों में हो गया, और आर्थराइटिस है, एंकल है, वो सारे पेन रिलीव करती है। अच्छा। हाँ जी, ये ट्रैक्शन मशीन है हमारी। ये ट्रैक्शन है। अच्छा, इसमें जितने भी सर्वाइकल के पेशेंट होते हैं, जैसे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, जी हाँ जी हाँ जी, ट्रैक्शन की हेल्प से ऐसे खींचते हैं ये। अच्छा, इसमें कमांड ली जाती है। हुँ. वो सेट होता है टाइमर। ये टाइमर है। अच्छा, ये वेट के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। जी, जी, जी। तो इसे ट्रैक्शन दिया जाता है, जो रेडिकुलोपैथी होती है पेन की, जो रेडिएट होता है हमारे आर्म्स में, वो ठीक होता है। और बाकी यहाँ कौन कौन सी मशीनें हैं? यहाँ पे हमारे पास सभी मशीनें हैं, टेंस, IFT, अल्ट्रासोनिक, लेजर यूज किया जाता है स्पोर्ट्स के पेशेंट, जैसे लिगामेंट्स इंजरी हो गई है, टेंडन इंजरी, तो जिसके लिगामेंट जो है वो टूट जाते हैं। हाँ जी, वो हीलिंग का काम, वो ठीक हो जाते हैं, हीलिंग का काम होता है, तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन की नीड नहीं है। अच्छा। हाँ जी, ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो जो है पता ही नहीं था पानीपत में जो है इतने अच्छे यहाँ ट्रीटमेंट होता है। हाँ जी, हमारे पास एडवांस टेक्निक्स है, कपिंग थेरेपी भी यूज होती है। कपिंग थेरेपी मेनली मसल स्टिफनेस जिसकी हो जाती है, तो मसल्स को रिलीज करने के लिए कपिंग थेरेपी यूज की जाती है। अच्छा। हाँ जी, तो और क्या क्या यहाँ जो है, कौन कौन सी थेरेपी आप यूज करते हैं? हमारे पास अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी। अल्ट्रासोनिक कौन सी थेरेपी है जरा दिखाना? ये है अल्ट्रासोनिक। अच्छा, ये अल्ट्रासोनिक थेरेपी है। यहाँ पे इसकी टाइमिंग्स है। अच्छा, ये हमारी इंटेंसिटी है भी, ये मेनली जितनी भी स्वेलिंग्स है उनको हीलिंग का काम करती है। अच्छा, प्लेटलेट्स जो होती है हमारी उससे इम्प्रूव हो जाती है, सर्कुलेशन अच्छा रहता है। अच्छा, इसकी वजह से जो स्वेलिंग है और जो इन्फ्लामेशन हुई है वो ठीक होती है। तो इसमें से रेंज निकलती है? हाँ जी, इंटेंसिटी रहती है। कौन सी रेंज निकलती है इसमें से? यूवी रेंज। ये लेजर थेरेपी है। अच्छा, तो इससे जो है ये कैसे ट्रीटमेंट होता है और किस पर्पस में जो है ये लेजर मशीन काम आती है? लेजर मशीन बहुत सारे पर्पस के लिए है। हाँ, जैसे कि हमारा टेंडन्स के अंदर अगर वो हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है टेंडन, या फिर उसमें कोई इंजरी आ जाती है,
जैसे ACL टेंडन की इंजरी होती है, घुटनों के अंदर रहती है, एल्बो के अंदर टेंडन होता है जो ये वाला लेटरल लेटरल एपिकोंडिलाइटिस बोलते हैं इसको। अच्छा। इसकी इन्फ्लामेशन की वजह से ये जो एल्बो है वो नमनेस रहती है और टिंगलिंग सेंसेशन रहती है, तो इसमें से लेजर लाइट निकलती है, इसको प्रोग्राम पे सेट किया जाता है। अच्छा। तो ये देख रहे हैं आप, ये लेजर लाइट निकलती है, ये मेनली हीलिंग का काम करती है। अच्छा। इससे जो इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस होती है। अच्छा। ये IFT है। अच्छा। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंशियल थेरेपी। हाँ हाँ। इंटरफेरेंशियल थेरेपी, इसके चार पोल्स हैं। अच्छा। दो रेड है, दो ब्लू है। तो इससे क्या, इसका क्या पर्पस है? इसको मस्कुलर पेन के लिए यूज किया जाता है। अच्छा। जो मसल्स पेन है वो इससे ठीक होता है। ये मेनली पॉइंटेड पेन के लिए यूज होता है, जो टेंस है वो हर जगह यूज किया जाता है। अच्छा। लेकिन ये मेनली पॉइंटेड पेन। ओके। ये हमारा मसल स्टिमुलेटर है, ये जो पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है पैरालिसिस। अच्छा। जैसे हमारा बेल्स पाल्सी होता है तो फेस एक साइड ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, और स्पीचिंग में प्रॉब्लम होती है, स्पीच होने में, तो इससे स्टिमुलेट किया जाता है। अच्छा। करंट आता है इसमें से, एक गैल्वेनिक होता है, एक फेरेडिक करंट होता है। ओह। जो नर्व्स होती है उनको स्टिमुलेट करता है ताकि जो वो नर्व्स है वो अच्छे से अपना काम कर पाए। तो यहाँ पर जो है टोटल कितने इक्विपमेंट जो है वो आपके थेरेपी सेंटर में है? 15 to 16 इक्विपमेंट्स हैं मेरे पास। अच्छा। सभी एडवांस। तो कितने यहाँ से जो है वो मरीज ठीक होकर के गए हैं? 90% जो पेशेंट्स हैं वो ठीक होकर गए हैं। अच्छा। ये हमारा सर्वाइकल के लिए है, ऐसे वर्क करता है ये। ओ, इससे अच्छा, जो पेन है वो क्योर होती है। ये मेरे लिए सर्वाइकल के लिए ही है। तो इसमें से हीट भी निकलती है? हाँ जी, ये हीटिंग रहती है इसके अंदर, जो रेड लाइट है ये हीट प्रोड्यूस करती है। अच्छा। थोड़ी देर में प्रोड्यूस करती है, धीरे धीरे हीटिंग आती है। ये डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? डॉक्टर मानिक। तो यहाँ क्या क्या नाम है? माता लक्ष्मी जगदीश सोशल वेलफेयर ट्रस्ट है। यहाँ पे लास्ट अप्रैल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा। तो यहाँ मरीजों से क्या पैसे लिए जाते हैं इलाज के, या ट्रस्ट का है? अच्छा। तो फ्री की इच्छा हो वहाँ गोलक में डाल, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ? मेडिसिन भी, कंसल्टेशन भी, सब कुछ फ्री है यहाँ? अच्छा। तो कितने मरीज आ जाते हैं डेली के? 15 to 20 पेशेंट्स हैं यहाँ पे, 9 to 11 में। हाँ। और कंसल्टेशन भी होती है, क्या कहते हैं, और मेडिसिन भी दी जाती है। हाँ। मेन साइकोलॉजिकल और क्रोनिक डिजीज ज्यादा कंसल्ट किए जाते हैं। अच्छा अच्छा। जो और ज्यादा बीमारी से परेशान है आज। तो सबसे ज्यादा किस किस बीमारी के जो है मरीज आते हैं आपके पास? यहाँ पे हर तरीके का आता है, कोल्ड कफ फीवर बुखार सब चीज का आता है। और पुरानी बीमारी के बहुत ज्यादा आते हैं, स्किन कंप्लेंट बहुत है यहाँ पे। अच्छा। स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ग्रोइंग रीजन में फंगल इन्फेक्शन, तो ये ज्यादा जो है यहाँ। डर्मेटाइटिस। तो कारण कारण क्या है यहाँ है जो ये कारण? एक तो ये सर, पानी बहुत ज्यादा खराब है हमारे 18 सेक्टर का। अच्छा। इंडस्ट्रियल एरिया है सारा, रिफाइनरी साथ है, तो पानी में सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से इचिंग ड्राइनेस स्किन में बहुत ज्यादा है, उसकी कंप्लेंट बहुत ज्यादा है यहाँ। अच्छा। तो उसकी वजह से जो है ये बीमारियाँ जो है वो। ठीक है डॉक्टर साहब। और भी बहुत बीमारी हम ट्रीट करते हैं। हाँ। हर तरीके की पुरानी से पुरानी बीमारी का इलाज करते हैं, मैनेज करते हैं उसको हम। अच्छा, अच्छा, जो एलोपैथी खा के बहुत परेशान है, उनके साइड इफेक्ट्स भी हैं, और इसको फिर देख के ठीक किया जाता है। अच्छा। हाँ जी, आपका शुभ नाम? कुलदीप सिंह। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? सर 18 सेक्टर से। 18 सेक्टर। आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? बस मोस्टली पेन की प्रॉब्लम थी। पेन कहाँ रहता था? हाँ जी सर। अच्छा। और कितने आपको जो है ये पेन की वजह से जो है कितने प्रॉब्लम हो रहे थे? 80 से 90% ठीक हो गई है अभी, बेसिक अगर मैं पूरी करता तो पूरी ही हो जाती, जैसे नहीं आ सका। अच्छा। तो बीच बीच में जो है आप गैप कर देते हैं? गैप कर। अच्छा।
ठीक है जी। आपका शुभ नाम? शिखा। हाँ जी शिखा। अच्छा तो शिखा जी क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे टाइफाइड हुआ था। अच्छा। और मैंने सारी जगह से इलाज करवाया, मुझे कहीं से आराम नहीं आया, हैदराबाद ही क्या, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। हाँ। फिर मुझे ये कितने साल हो गए ये टाइफाइड को? मुझे 7 साल हो, 7 साल पहले टाइफाइड हुआ था मुझे, फिर इनकी ही दवाई से मुझे आराम आया। उसके बाद से मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो मैं इन्हीं से ही दवाई लेती हूँ। तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो मुझे वो वायरल हुआ है, गले में दर्द है, बुखार है, खांसी है। तो ये टाइफाइड जो है वो कितने दिन में जो है ठीक हो गया था आपका? मेरा करीब करीब 15 दिन में आराम आना शुरू हो गया था और 2 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अच्छा तो अब नॉर्मल हैं आप? हाँ अब तो नॉर्मल हूँ, टाइफाइड नहीं हुआ। टाइफाइड हाँ, बाकी थोड़ा बहुत तो जो चलती रहती है दिक्कतें। हाँ हाँ ठीक। आपका शुभ नाम? दुर्गेश। दुर्गेश जी तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? बैक पेन की प्रॉब्लम थी। बैक पेन की? तो कितने दिन से ये बैक पेन की प्रॉब्लम चल रही थी? करीब थोड़ा जोर से महीने दिन के से। अच्छा वो यहाँ आपको कितने दिन हो गए? एक हफ्ते से। कितना आराम है? 90% तक। 90% मतलब आपको आराम मिल चुका है? हाँ जी। अच्छा ठीक है दुर्गेश जी। सेंटर में बिजली 24 घंटे रहे इसके लिए यहाँ 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया गया है ताकि बिजली की समस्या पैदा न हो, और इसके लिए 4 बड़ी-बड़ी सोलर बैटरियाँ भी यहाँ लगाई गई हैं ताकि 24 घंटे बिजली बनी रहे और सेंटर में कोई समस्या पैदा ना हो।